डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैकेनिक्स हम लोगों ने बोला था, यूनिट डायमेंशन स्टार्ट किया था, वेक्टर स्केलर देखा था, एरर देखा था, पर मैंने तभी कहा था कि दिस इज नॉट रियल मैकेनिक्स। वो रियल मैकेनिक्स नहीं है, वो बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स है और दे आर ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रियल मैकेनिक्स स्टार्ट होता है वो 1D मोशन से स्टार्ट होता है। यहां से हम लोग मैकेनिक्स मेन मानते हैं कि भाई ये मैकेनिक्स का पार्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्रूशियल पार्ट है। तो 1D मोशन, यहां से मैकेनिक्स को स्टार्ट मानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 4 में, आज हम लोग 1D मोशन में जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत छोटी क्लास से, आप समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी। इनिशियली आपको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक है, ये बहुत सिंपल है, पर ऐसा है नहीं। उसके एप्लीकेशन जो रियल मीनिंग में आते हैं या जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, उसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 1D मोशन एंड दिस इज Day 1। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं, द रियल मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, ये मैकेनिक्स आपके ब्रेन को शार्पन करता है और मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 45-50% ऑफ द सिलेबस है। और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल नीट में अगर 45 क्वेश्चन आते हैं, तो नीट में अगर 45 क्वेश्चन आते हैं, ये 45 में राउंड अबाउट 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट यूनिट है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स का मीनिंग पहले समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स का मीनिंग है सिंपली स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। अब दो यहां पर सिचुएशन होती है, दो पोजीशंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मोशन एंड रेस्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं भाई वो किस स्टेट पे है, मोशन में है या फिर रेस्ट पर होगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट, अगर हम क्लासिफिकेशन करें इस मैकेनिक्स को अपने कन्वीनियंट वे में क्लासिफिकेशन करें, जो बेसिक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है, तो मैकेनिक्स को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप आता है काइनेमेटिक्स, नेक्स्ट वन इज डायनामिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, 3 क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होल मैकेनिक्स, कंप्लीट मैकेनिक्स को हम ये 3 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में एक पार्ट होगा काइनेमेटिक पार्ट, एक पार्ट होगा डायनामिक पार्ट, एक पार्ट होगा स्टैटिक्स पार्ट। तो ये सब सारे के सारे हर चैप्टर में इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये 3 फ्रेम हो गए। अब यहां पर अगर हम देखें काइनेमेटिक्स को, कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ मोशन विदाउट स्टडीइंग कॉज ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, कॉज ऑफ मोशन पे नहीं जाना है अपने को, अपने को जाना है वेरिएबल्स क्या है मोशन के, मोशन कहां कहां क्या क्या कंडीशन लेके जा रहा है और मोशन में होने के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, मोशन में होने के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या वेलोसिटी होता है, कितना टाइम लगता है, ये सब स्टडी करते हैं हम लोग किसमें, काइनेमेटिक्स में। वेल नेक्स्ट ब्रांच हमारा है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है, इट इज अनदर ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, मोशन किस वजह से हुआ, क्या कारण था मोशन के लिए। तो मोशन के लिए कॉज, सबसे बड़ा कॉज क्या होता है मोशन के लिए, सबसे बड़ा कॉज होता है फोर्स। इसका मतलब फोर्स से रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, वो सब हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स एक डिफरेंट ब्रांच हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, देखिए इक्विलिब्रियम फिजिक्स में, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एफ नेट है एंड ये एफ नेट हमारा जीरो होगा, अगर उस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बॉडी रेस्ट पर होगा, नो, बॉडी कैन मूव, बस एफ नेट जीरो होगा, या हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ए भी जीरो ही होगा। एक्सेलरेशन ए जीरो होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो दीज आर थ्री ब्रांच, 3 ब्रांच है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स।
वन बाय वन हम लोग इसको स्टडी करेंगे इन एवरी चैप्टर। एक हर एक चैप्टर का एक काइनेमेटिक पार्ट होगा। काइनेमेटिक का मतलब होगा क्या होगा, हम लोग आफ्टर इफेक्ट ऑफ मोशन, मोशन के बाद क्या हुआ भाई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वेलोसिटी था, वो सब स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में। डायनामिक्स में क्या स्टडी करेंगे, फोर्स, क्या फोर्स उस पे एक्ट हुआ, किस फोर्स की वजह से वो मोशन किया। और जब स्टैटिक्स की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट जीरो है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम का मतलब मोशन में भी हो सकता है। सो दीज आर द थ्री ब्रांच। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स में या काइनेमेटिक्स, पहला जो हम लोगों ने देखा है काइनेमेटिक्स में डिटेल जाते हैं, काइनेमेटिक्स की डिटेल समझते हैं भाई, काइनेमेटिक्स क्या है, क्या समझेंगे हम काइनेमेटिक्स, इतना तो समझ लिया, दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का इसमें स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो सबसे बेसिक टर्म है रेस्ट एंड मोशन, इसके बारे में देखा जाए, रेस्ट क्या है या मोशन क्या है। रेस्ट एंड मोशन में सबसे पहले रेस्ट को देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े बेसिक टर्म है, बहुत बेसिक फिजिक्स का पार्ट है ये, शायद क्लास 4-5 में आपने पढ़ा होगा। तो रेस्ट को डिफाइन करते हैं, इफ पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मास का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे, देन दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वर। ये नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, पर उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रिलेटिव में रेस्ट पे रहेगा। जैसे हमारे रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, हम कहीं पर बैठे हुए कोई हिल है तो हम क्या कहेंगे भाई, हिल रेस्ट पे है, हिल रेस्ट पर है, किसके रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ये रेस्ट हो गया, रेस्ट का मतलब पोजीशन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ना बदले ना चेंज हो। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। मोशन का मतलब अब इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, वो मोशन में है। इसका मतलब ये दोनों का डिसीजन कहां से लेते हैं हम लोग, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिसाइड होता है कि भाई वो उसका पोजीशन बदल रहा है, उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है, बदल रहा है हम मोशन बोल देंगे, नहीं बदल रहा है हम बोल देंगे वो रेस्ट पर है। अगर आप देखें एब्सोल्यूट रेस्ट एक टर्म आता है, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन, और हमने यहां पर क्या बोल रहे हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे हम इस बात को कह सकते हैं, हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, लिविंग और डेड या किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, जो हम कह दे भाई ये तो मोशन में ही रहेगा। मोशन में रहेगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर, और रेस्ट पे रहेगा वो भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हम कह दें भाई वो किसी के रेस्पेक्ट में भी आप देखो वो हमेशा रेस्ट में दिखाई देगा, कि किसी के रेस्पेक्ट में देखो आप हमेशा वो एब्सोल्यूट मोशन में होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो रेस्ट और मोशन बहुत बेसिक टर्म है, पर इसका फील लेना जरूरी होता है, हमको देखना होता है भाई रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक आपको एक विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको वो बात समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो दो शब्द है रेस्ट और मोशन, इनमें कितना फीलिंग आपको आता है, कितना आप उसको महसूस कर सकते हैं, कितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आइए हम लोग रेस्ट और मोशन को एक बार फील करने की कोशिश करते हैं, क्या है इसका मतलब। ये जितना सिंपल आपको डेफिनेशन में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर हम देखें रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्ट और मोशन का स्टेट हम लोग फील करने जा रहे हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। अब हम एक यहाँ पे नया शब्द लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिंपली दिस इज स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस सिचुएशन में आप मूव कर रहे हैं, आप रेस्ट पर हैं, तो जो स्टेट है दैट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको अपने स्क्रीन पे कार दिख रहा है, एक बॉय किड दिख रहा है जो साइकिल मूव कर रहा है, और एक कोई पर्सन है जो ग्राउंड पे रेस्ट पे है। अब अभी फिलहाल अगर आप देखें तो तीनों आपको रेस्ट पे दिखा रहे हैं, तीनों रेस्ट पर हैं ऐसा दिख रहा है हमको स्क्रीन में, ऐसा दिख रहा है कि भाई तीनों रेस्ट पर हैं। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कार आगे मूव कर रही है रेड कलर की, उसके पीछे एक कार आ रही है और एक बच्चा भी मूव कर रहा है कार के साथ में।
अगर आप एक बार इमेजिन करें, ये जो पर्सन ग्राउंड पर है, इस पर्सन से वो किड और दोनों कार्स के बारे में पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट देगा? ये स्टेटमेंट देगा कि भाई ये तीनों मूव कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये जो बोलेगा कि ये तीनों, दोनों कार्स एज वेल एज बाइसिकल, दोनों तीनों के तीनों मूव कर रहे हैं। अब ये तीनों मूव कर रहे हैं, ये इसके रेस्पेक्ट में है, ये इसके रेफरेंस फ्रेम में है, इसके रेफरेंस फ्रेम में तीनों मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के लिए यही स्टेटमेंट बाइसिकल वाले से पूछें कि भाई बाइसिकल वाले किड से पूछें इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, तो ये कहेगा कि उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि ये उसके रेस्पेक्ट में बैक साइड में जा रहा है। इसका मतलब इसको साइकिल वाला राइट साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और साइकिल वाले को ये बैक साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां पर देखें कि यहां पर ए बी सी डी मार्क कर देते हैं, सपोज ये कार है, इसको हमने ए से मार्क कर दिया, और ये बाइसिकल है, इसको डी से मार्क कर दिया, और ये पर्सन जो रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, सी से मार्क कर दिया, एक कार बी है। यहां पर अगर आप इमेजिन करें तो कार ए फास्ट मूव कर रहा है, कार ए का स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू कार बी से, तो कार बी का स्पीड कम है। अगर यहां पर हम देखें डी और ए के बारे में देखें, तो इस एनिमेशन में डी और ए का स्पीड सिमिलर दिख रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे का। अगर एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं तो कार में बैठे हुए पर्सन से इस डी जो बाइसिकल में किड है उसके बारे में पूछा जाएगा, तो वो कार में बैठा हुआ पर्सन क्या बोलेगा, ये बाइसिकल उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, और अगर बाइसिकल से इस पर्टिकुलर कार के बारे में पूछा जाएगा वो बोलेगा रेस्ट पर है। तो अब देखिए, अगर हम इस बाइसिकल वाले से पूछे कार के बारे में, ये कहेगा रेस्ट पर है, और ये जो सी ग्राउंड पे पर्सन है ये कहेगा नहीं, ये तो मूव कर रही है, कार तो मूव कर रही है। इसका मतलब क्या ये दोनों में से कोई गलत बोल रहा है? नहीं, दोनों सही बोल रहे हैं, ये अपने अपने रेफरेंस फ्रेम में बोल रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम सी का अलग है, रेफरेंस फ्रेम डी का अलग है, डी मूविंग फ्रेम में है और सी स्टेशनरी फ्रेम में है, स्टेशनरी फ्रेम में है उसके रेस्पेक्ट में वो कार मूव कर रहा है और वो किड मूव कर रहा है, पर किड के रेस्पेक्ट में कार मूव नहीं कर रहा है। किड का और कार का स्पीड अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे हो जाएंगे। व्हाइल बी बी स्लोली मूव कर रहा है बैक साइड में। अगर आप इस कार के रेस्पेक्ट में बी के बारे में पूछोगे तो ये क्या कहेगा कि भाई बी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो आइए अब हम लोग देखते हैं, जो मोशन है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑल्दो इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, वेक्टर्स में हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया था, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, वेक्टर फॉर्म। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि पहले 1D मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। सो वन डायमेंशनल मोशन मींस इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एनी ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस या तो एक्स एक्सिस में चेंज हो या वाई एक्सिस में चेंज हो और अलोंग द जेड एक्सिस, इन दिस कंडीशन व्हाट वी विल से दीज ऑल आर 1D मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी भी एक एक्सिस में चेंज होता है, सिर्फ एक्स वाई या फिर जेड में, किसी एक में होना चाहिए। आइए देखते हैं हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे थ्री बॉल्स, येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है, रेड कलर का है। अगर 1D मोशन के बारे में देखें तो देखें यहां पर सपोज आप देख सकते हैं जो रेड कलर बॉल है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, जो येलो कलर बॉल है वो क्या मूव कर रहा है, वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है। हियर वी कैन से दीज ऑल आर वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इनका पोजीशन पर्टिकुलर एक्सिस पे ही चेंज हो रहा है, और अगर पर्टिकुलर एक्सिस पे पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। और यहां से आप समझ सकते हैं कि भाई पोजीशन किसी भी एक एक्सिस पे या तो वाई पे चेंज हो या फिर एक्स पे चेंज हो और या फिर जेड पे चेंज। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया वन डायमेंशनल मोशन का। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों बॉल्स का मोशन, एक बॉल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक बॉल वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब एक बॉल का पोजीशन अगर आप देखें तो वो धीरे धीरे वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है, एक बॉल का पोजीशन देखें एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, तो ये हमारा 1D मोशन होगा, जहां पर एक्स एक्सिस में या तो पोजीशन चेंज हो और वाई एक्सिस में चेंज हो या फिर जेड एक्सिस में चेंज हो। और एक बात और यहां पर अगर हम बोले, ऑल 1D मोशन विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन, ये बात ध्यान से समझने के लिए, जितने 1D मोशन होंगे 100% वो सबके सब क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। आप सोचो क्या ऐसा बोल सकते हैं
सारे स्ट्रेट लाइन मोशन 1D मोशन होंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हम लोग आगे देखेंगे 1D मोशन जितने भी होंगे वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होंगे, दैट इज ट्रू, पर सारे 1D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, दैट इज ट्रू, पर सारे स्ट्रेट लाइन 1D हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन मोशन 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे आगे और भी एग्जांपल से देखेंगे उसको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 1D मोशन। एंड नेक्स्ट अगर हम 2D मोशन की बात करें, 2D मोशन या 2D को हम लोग मोशन इन अ प्लेन भी बोल सकते हैं। प्लेन कहां से बनता है? कोई भी दो एक्सेस आप ले लें, एक्स वाई ले लें, वाई जेड ले लें, जेड एक्स ले लें, तो वो बना देता है प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन के बाद जेड एक्स प्लेन हो गया, जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस मिलके बना रहे, या फिर वाई जेड प्लेन हो गया। दीज ऑल थ्री आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स और हर एक दो दो एक्सेस से मिलके बन रहा है। तो 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसके पोजीशन चेंज हो रहे हैं। किसमें किसमें? या तो एक्स वाई में चेंज होंगे, या फिर वाई जेड में चेंज होंगे, और या फिर जेड एक्स में चेंज होंगे, तब हम कहेंगे नाउ दिस इज द मोशन ऑफ 2D मोशन। या इसके अगर एग्जांपल देखें कि भाई हम और क्या एग्जांपल देखेंगे अपने सिलेबस में जहां पर 2D मोशन हो रहा है। 2D मोशन में एक तो सिंपल जैसे हमको गिवन है कि भाई ये वाई एक्सिस है और ये हमको एक्स एक्सिस गिवन है। अब अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी कोई जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? 2D मोशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पोजीशन एक्स एक्सिस पे और इसके पोजीशन वाई एक्सिस दोनों पे चेंज हो रहे हैं। दैट मींस स्ट्रेट लाइन मोशन मे बी 2D मोशन। अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा बाकी कर्व मोशन में, तो एग्जांपल क्या हो सकता है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। दीज ऑल आर क्या हो जाएंगे? एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहां पर एक बॉल है जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अगर आप इमेजिन करो ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है? बिल्कुल सही, ये जेड एक्स प्लेन में मूव कर रहा है। जेड एक्स प्लेन में इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन हो गया। चलिए ये तो ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए हमको समझ में आ गया कि ये जेड एक्स प्लेन है। क्या आप बता सकते हैं ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल मूव कर रहा है ये कौन से प्लेन में? गेस करिए कौन सा प्लेन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी दो एक्सेस इन्वॉल्व हो रही है। सिंपल तरीका है, आप देखो एक तो यहां पर एक्स एक्सेस इन्वॉल्व हो रही है जहां इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एक ये ऊपर वर्टिकली ऊपर भी जा रहा है मतलब वाई एक्सेस भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? सिंपली दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। एंड दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। 2D मोशन के ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट 2D मोशन में भी स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले ही आपको बोला कि भाई 2D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल है, इवन 2D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, कर्व मोशन भी हो सकता है। 1D मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रिक्टली वहां पर हम यही कहेंगे कि ये 1D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। अब आप कॉपी में होमवर्क करते हैं, आप कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉपी में कुछ लिखते हैं, दैट मीन्स राइटिंग ऑन बोर्ड और कॉपी, अगर आप किसी कॉपी या बोर्ड पे लिख रहे हैं वो कैसा मोशन है? 2D मोशन है। बट रिमेंबर हम यहाँ पर उसको इग्नोर कर रहे हैं कि भाई जब हम लिखते हैं तो हम लिफ्ट करते हैं पेन को या पेंसिल को, लिफ्ट करते हैं, वो जो लिफ्टिंग है उसको हम यहाँ पर कंसीडर ना करें। तो ये परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा 2D मोशन का, हमारा पेन मूव करता रहता है उसी कॉपी में और कॉपी हमेशा एक प्लेन होता है क्योंकि कॉपी में भी वहां पर 2 एक्सिस इन्वॉल्व होती है। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप देख सकते हैं, और अगर कोई इंसेक्ट है और ये इस टाइप से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका पोजीशन अगर आप देखें एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, मतलब ये 2D मोशन कर सकता है। तो 2D मोशन 1D मोशन दोनों का डिफरेंस क्लियर हमने समझ लिया कि भाई 2D मोशन और 1D मोशन का डिफरेंस क्या होता है। अब आइए जो सबसे प्रैक्टिकल है, जो इमेजिन करना है आपको, एंड दैट वन इज 3D मोशन, 3D मोशन। 3D मोशन इसका मीनिंग क्या हो गया? इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग ऑल थ्री ध्यान रखिएगा ऑल थ्री एक्स वाई एंड जेड एक्सेस हम उसको बोलते हैं। इसका मतलब
साइमल्टेनियसली अगर किसी का पोजीशन एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में चेंज हो रहा है तभी हम बोलेंगे उसको वो 3D मोशन कर रहा है। 3D मोशन को अगर हम देखें, एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पर एक कंटेनर है और वो कंटेनर में कुछ बॉल्स हैं। वो बॉल्स क्या कर रहे हैं, रैंडम जिग जैग मोशन कर रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं। इसका मीनिंग कभी वो एक्स में जाते, कभी वाई में जाते, कभी जेड में जाते। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। 3D मोशन का मतलब आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में, 3D ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप रैंडम मोशन कर रहे हैं, दैट इज द 3 डायमेंशनल मोशन। अगर आपका पोजीशन तीनों एक्सेस एक्स वाई जेड तीनों में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है आप 3D में मोशन कर रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है 3D में मोशन कर रहा है। तो ये आपको फील होना शुरू हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे आप कि एक्चुअल में 3D मोशन क्या होता है, 3D मोशन को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और यहां पर तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप इस 3D को बुक से पढ़ें, किसी भी कॉपी से पढ़ें, या बोर्ड पे पढ़ाया जाए आपको, तो आपको इमेजिन नहीं कराया जा सकता, वहां पर आपको सोचने के लिए कहा जा सकता है। और यहां पर तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं 3 डायमेंशनल मोशन क्या हो रहा है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं 3D मोशन के। अगर हम यहां पर देखें, आप देख सकते हो एक बर्ड है, ये बर्ड रैंडम मोशन कर रहा है और इसमें देखिए 3 डायमेंशनल मोशन इस बर्ड का हो रहा है। अब 3D मोशन का मतलब रैंडम, कभी x एक्सिस पे, कभी y एक्सिस पे, साइमल्टेनियसली z एक्सिस पे। इसका मतलब है कि तीनों एक्सिस पे एक साथ अगर पोजीशन चेंज होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वो परफेक्ट 3D मोशन होगा, वो परफेक्ट 3D मोशन होगा। आप देख सकते हैं इसमें वन बाय वन, कभी x एक्सिस, y एक्सिस पे, मतलब 2D में हो रहा है, फिर कभी 3D में भी मोशन हो रहा है। तो ये इंसेक्ट, बर्ड, या जो हम लोगों ने बॉल्स देखे किसी रूम में, ये परफेक्ट एग्जांपल होते हैं 3 डायमेंशनल मोशन के। तो 3D मोशन जो आप किसी एनिमेशन या किसी वीडियो की हेल्प से फील कर सकते हैं, अदरवाइज 3 डायमेंशनल मोशन को फील करना बोर्ड में या कॉपी में या बुक में, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि कॉपी में आप 3D फिगर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है बना पाना। तो 3D फिगर, रियल 3D फिगर कॉपी में नहीं बन सकता, वो इल्यूजन हो सकता है। आपको अगर किसी बुक में कोई 3D फिगर दिया है तो वो इल्यूजन होगा, पर इन रियल वो 3D फिगर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपी खुद में 2D होता है, कॉपी खुद में एक प्लेन ही है जो कि दो कोई एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 3D मोशन। अब ह्यूमन के बारे में देखना चाहते हैं, हम लोग इंसान है, हम लोग किस डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, आप अपने इस इमेजिनेशन में देख सकते हैं। सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 3D मोशन को इमेजिन करने का, 3D मोशन कैसे इमेजिन करा। तो यहां पर हमने देख लिया बर्ड, ठीक है, रैंडम एक्स वाई जेड एक्सिस में मूव किया। अब वी ऑल आर ह्यूमन, चलिए इंसानों के बारे में बात की जाए, इंसान हम लोग हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान किस डायमेंशन में मूव करता है। हम लोग 2D में चलते हैं, 1D में चलते हैं। वेल, इसका जवाब हम एक एनिमेशन की हेल्प से देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये पर्सन है, और ये पर्सन अभी, ये अगर आप देखें तो ये पर्सन अभी एक स्ट्रेट लाइन मींस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये तो 1D मोशन का एग्जांपल हो गया, 1D मोशन में ये एक्स एक्सिस में, मतलब हम लोग एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं। और ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया कि भाई ये कंफर्म हो गया कि हम 1 डायमेंशन में भी मोशन कर सकते हैं, 1 डायमेंशन में मोशन कर सकते हैं। क्या हम 2D में मोशन कर सकते हैं, क्या आपने ऐसा सोचा है कि हम 2 डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 डायमेंशनल मोशन के लिए, अगर तो 2 डायमेंशनल मोशन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं नाउ दिस इज इन 2 डायमेंशनल मोशन। अगर आप किसी भी कॉर्नर को ओरिजिन ले लें, ओरिजिन अगर आप ले लेंगे तो नाउ इन दिस डायरेक्शन अगर डायगनली मूवमेंट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल एग्जाम्पल हो गया 2D मोशन का, 2 डायमेंशनल मोशन का परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। नाउ दिस पर्सन इज मूविंग इन 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। इतना तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई हम लोग 1D में चल सकते हैं, ठीक है, 2D में भी चल सकते हैं, क्या आप सोचेंगे कि 3D में भी क्या चल सकते हैं। आप में से बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम बर्ड नहीं है, वी आर नॉट इंसेक्ट, हम 3D में कैसे चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, अगर आप इमेजिन करें कि एक स्टेयर्स हो विद इन दिस रूम या कहीं पर भी, और हम स्टेयर पे क्लाइंब कर रहे हैं। कैसे क्लाइंब कर रहे हैं, आइए देखते हैं स्टेयर पे। यहां पर हम स्टेयर्स पे क्लाइंब कर रहे हैं, अब देखिए अगर स्टेयर पे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन चलते तो वहां पर ऑलरेडी हमारा 2 डायमेंशन होता, पर जैसे जैसे हम स्टेयर पे क्लाइंब कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर फॉलोइंग 3 डायमेंशनल पाथ। इसका मतलब हम लोग 3D में भी मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट या कोई भी इस टाइप का स्टेयर हो, तो वहां पर हम 3 डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं।
तो ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया कि भाई ह्यूमन हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन बहुत आराम से कर सकते हैं, टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल मोशन तो कर ही सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को कि भाई इंसान कितने मल्टीपल डायमेंशन में मूव कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आइए हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। ये बेसिक टर्म्स जो काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, तो बेसिक टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में सबसे बेसिक टर्म बहुत छोटी क्लास में आपको बताया जाता है। व्हाट इज दैट बेसिक टर्म? इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट सिंपली है लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सिंपल डेफिनेशन हो गया। चलिए एक और डेफिनेशन लेते हैं इसका। अगर हम देखें शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा क्या शॉर्टेस्ट पाथ? ऑफ कोर्स दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन लेंथ, दैट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा और डायरेक्शन सिग्निफिकेंट होगा, वहां पे सिग्निफिकेंट पार्ट होगा कि डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी होगा। तो यहां पर अगर आप वेक्टर क्वांटिटी है एक डिस्प्लेसमेंट, तो आप कह सकते हो इट विल बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो आल्सो, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं यहां पर एक फिगर की हेल्प से। सपोज ये इनिशियल पोजिशन है जहां से कोई पर्सन स्टार्ट करता है और ये इस पाथ को फॉलो करते हुए और ये इसी एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली यहां पर जाके ये फाइनली यहां पर जाके रुक जाता है। अगर यहां पर जाके रुक जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये जो लाइन है इसका जो लेंथ होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर हम जो नेक्स्ट इसका टर्म है दैट इज डिस्टेंस, क्लोजेस्ट है दोनों में, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिस्टेंस की बात करें, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट विल बी स्ट्रिक्टली ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर क्वांटिटी है ध्यान रखिएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पाथ हमने फॉलो किया था, इस पूरे पाथ को मेजर कर लो भाई, इस पूरे पाथ को मेजर कर लें और वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी द डिस्टेंस। अगर कोई यहां से मूव करते हुए और यहां पर पहुंच रहा है तो हम क्या कहेंगे भाई? उसका डिस्टेंस इस पूरे को मेजर करने पर मिलेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अब यहां पर फिर एक पॉइंट आता है, क्या ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस एंड दैट मे बी इक्वल, डिस्टेंस दैट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन मोशन में। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है इन दैट कंडीशन दोनों की वैल्यू इक्वल पॉसिबल है, इक्वल हो सकती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, अब अगर हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दे, यहां भी कैंसिल, तो यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा, हमको दूसरा रिजल्ट बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैंने पहले भी आपको मेंशन कर दिया डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम देखें अंडरस्टैंडिंग करें ये दोनों टर्म की, पहले हमने पहले रेस्ट और मोशन के बारे में सोचा, आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ पर्सन इज मूविंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। देन पर्सन टेक अ राइट टर्न एंड मूव 1 किलोमीटर फर्दर ड्यू ईस्ट एंड स्टॉप। चलिए अब ये क्वेश्चन यहां से नहीं समझ में आता है, इतना क्लियर नहीं होता, ये फील नहीं आ पाती, हमको फील नहीं आती है तो क्वेश्चन बोरिंग लगने लगता है। इसके लिए फिगर, वी नीड अ फिगर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं।
पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। तो अब हम लोग इसको वेक्टर स्केलर में भी थोड़ा सा देख चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कहां लेते हैं, सामने की तरफ, और उसके अपोजिट में पीठ की तरफ साउथ डायरेक्शन, देन राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट डायरेक्शन लेते हैं। यहां पर अगर हम फिगर देखें तो ये था पहले 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर उसने ड्यू नॉर्थ, और फर्दर 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। तो ये उसका इनिशियल पोजिशन है और ये उसका फाइनल पोजिशन है। इसका मतलब अगर यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। चलिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, पहले 3 किलोमीटर मूव किया, देन अगेन 3 किलोमीटर, देन अगेन 1 किलोमीटर, इट इज टोटल 7 किलोमीटर। बहुत सिंपल था, स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा उसको हैंडल करना है, आसान होता है, क्योंकि डायरेक्शन वायरेक्शन से मतलब नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं होता। आइए हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भाई डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मेथड से कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। वेक्टर मेथड में जैसे पहले वो एक्स एक्सिस पे मूव किया, जो एक्स एक्सिस पे मूव किया वो कौन सा डायरेक्शन था, ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है यूनिट वेक्टर, आई कैप, देखिए यहां पर 3i कैप हो गया। फिर नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होता है, 3j कैप हो गया। और फिर फर्दर वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव किया था, 1 किलोमीटर, तो ये हो गया 1i कैप। अल्टीमेटली क्या मिल गया हमको, 4i कैप + 3j कैप। इसका मतलब अगर हम इसका मॉड कैलकुलेट करें तो यहां पर मॉड कितना आ जाता है, 3 + 1 = 4, √3² + 4² इसका मीनिंग है यहां पर ये मॉड आ जाता है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर क्या बना है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमको 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए हम लोग एंगल भी देखेंगे। एंगल देखना है सिंपल, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट था, ये tan थीटा है, और ये एंगल हम लोग देख सकते हैं परपेंडिकुलर एंड दिस डिवाइडेड बाई होल बेस, तो यहां से बन जाता है 3/4 एंड दैट इज 37 डिग्री विद ईस्ट डायरेक्शन। अब ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब हम इसको दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड में अगर आप देखें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये फर्दर 1 किलोमीटर। अगर हम लोग यहां पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 3 किलोमीटर है, मतलब ये भी 3 किलोमीटर ही होगा, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। अब हम यहां से कह सकते हैं कि एक और ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर लिया और ये 1 किलोमीटर है, मतलब ये भी 1 किलोमीटर ही होगा। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में ओवरऑल क्या हो गया 3 + 1 4 किलोमीटर, वर्टिकल में ओवरऑल क्या हो गया 3 किलोमीटर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम ऑन हो गया। यहां से पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो √3² + 3+1² एंड अगेन इट विल बी 5 किलोमीटर एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और रेडियस सर्कुलर पाथ का है 70/22 मीटर। Find the magnitude of distance, हमको distance भी calculate करना है, displacement भी calculate करना है, और कहां से कहां तक, पहले A से B तक, then A to D, and then फिर हमको क्या बोल रहा है A to A, तो A से B, A से C, A से D, और फिर हमको बताता है भाई ये A to A के लिए, मतलब ये सर्कल में पूरा मूव कर रहा है, रेडियस हमको गिवन है। अब इस कंडीशन में अगर हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत सिंपल है, पर आपको ध्यान से समझना भी होगा उसके लिए। चलिए देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर हम पहले देखते हैं ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, हमको सबसे पहले ए टू बी के लिए डिस्टेंस देखना है। तो एक कंप्लीट फुल रिवोल्यूशन या पूरा एक राउंड घूमेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, ऑब्वियसली 2πr चलेगा, और ये है 2πr का 1/4 पार्ट। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाता है 2πr/4, 2πr/4 means πr/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रेडियस का पाई का, तो यहां से हमको क्या मिल जाता है 5 मीटर। चलिए डिस्टेंस तो मिल गया, ए से बी तक डिस्टेंस मिल गया, बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस,
डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां पर हम लोग स्ट्रेट लाइन से। अब ये आर है, ये आर है, पाइथागोरस अगेन फिर से ऑन हो गया, ये क्या हो जाएगा आर अंडर रूट टू। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमको यहां पर मिल जाता है जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी। आइए अब हम लोग देखते हैं ए टू डी के लिए। ए टू डी के लिए, ए टू डी के लिए अगर आप देखें तो क्या डिफरेंस है ए टू बी और ए टू डी में। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ए से डी बड़ा है, वही बॉडी को यहां से चल के आना है, यहां पर आना है और यहां से तब ये बॉडी यहां पर पहुंचेगा। इसका मतलब ए टू डी कितना पार्ट हो गया, 3/4 पार्ट हो गया, या आप कह सकते हैं 2πr में से 1/4 हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, तो 1/4 हटा देंगे तो यहां से हमको बन जाएगा 3/4 into 2πr। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई 22/7, रेडियस रख दिया, 3/4 रख दिया, तो यहां से हमको मिल जाता है 15 मीटर ए टू डी डिस्टेंस, 15 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है। इसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें ए टू डी, क्या करेंगे गाइस, वही लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये आर है, ये आर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आर अंडर रूट टू, आर अंडर रूट टू, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी विल गेट द आंसर, हमको आंसर मिल जाएगा ए टू डी के लिए। आइए चलते हैं ए टू सी के लिए। ए टू सी के लिए अगर आप देखो तो क्या होगा, जस्ट हाफ हो रहा है ए टू सी, यहां पर आप देखो तो ए टू सी के लिए ये हाफ हो रहा है, इसका मतलब 2πr/2। सो डिस्टेंस अगर हम ए टू सी के लिए देखें तो ये आ जाता है पाई आर, पाई आर को अगर हम देखें तो पाई 22/7, आर 70/22, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 10 मीटर। चलिए हमने डिस्टेंस ए टू सी के लिए देख लिया, कैन यू से एनीथिंग अबाउट ए टू सी डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होगा रेडियस आर, ये भी होगा रेडियस आर, ओवरऑल कितना हो जाता है ये 2r। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हमको आंसर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r मींस 70/11 मीटर फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू ए की बात करते हैं, इसका मतलब ए से स्टार्ट किया, चलिए भाई यहां से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, मतलब ए टू ए, ए टू ए में वो एक राउंड पूरा कर चुका है। एक राउंड पूरा करने का मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 2πr, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अगर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या बन जाएगा 20 मीटर। गाइस 20 मीटर तो टोटल डिस्टेंस हुआ। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही, जीरो ही होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए से चला था और वापस ए पे ही तो पहुंच गया, और देखे यहां डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ है पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म। पहले हम लोगों ने क्या देखा, फिर से एक बार देख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन के बारे में फील किया, फिर हम लोगों ने देखा 1D, 2D, 3D मोशन के बारे में फील किया, इसके बाद हम लोगों ने देखा जो पहले बेसिक टर्म थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखते हैं पहले वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो आल्सो, मतलब ये जीरो हो सकता है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब अगर हम देखें इसका यूनिट बहुत सिंपल है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आर, सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा, ये सब इसके यूनिट हो जाएंगे, पर ये सब बहुत बेसिक टर्म है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। आइए हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT-1, ये भी बहुत सिंपल है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है तो LT-1 डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वहां से बात स्टार्ट होती है, वहां से थोड़ा स्पाइस मिलेगा। आप देखें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, पर हम सबको मालूम होगा ये रिजल्ट भी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर वी इक्वल टू एस बाई टी। पर इंपॉर्टेंट है इसका कंडीशन समझना, कंडीशन का मतलब क्या शर्तें, हम कब इसको यूज करेंगे। तो कंडीशन के लिए देखिए पहले डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सेम, हर हाल में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होना जरूरी है, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। आइए देखते हैं इस बात पे एक एग्जांपल, बहुत अच्छा सा, तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं जो कि इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये बेस है बेसिकली कंडीशन पे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर,
ये एनिमेशन की हेल्प से, देयर आर फोर पर्संस आर स्टैंडिंग एट द फोर कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, एज्यूम दैट ऑल फोर पर्सन स्टार्ट विद कांस्टेंट स्पीड एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर. ये चारों लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो यहां पर हम देख सकते हैं कांस्टेंट स्पीड वी टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड द टाइम व्हेन ऑल फोर पर्सन विल मीट टू ईच अदर इफ लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड इज एल. तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि हर कॉर्नर से एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ टुवर्ड्स अदर पर्सन, और ये हर एक पर्सन एक साथ एक ही स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, और अल्टीमेटली फाइनली वो कहां पर मिलते हैं, सेंटर पे मिलते हैं, सेंटर पे मिलते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये एल है और ये भी L है, तो जो डायगोनल होगा इसका, ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, L रूट टू. अगेन पाइथागोरस ऑन हो जाता है, ये L रूट टू होगा, और अगर हम हाफ निकालना चाहते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, L अंडर रूट टू बाई टू, मीन्स दैट कम्स एज L बाई रूट टू. L बाई रूट टू मिल गया हमको, और ये L बाई रूट टू अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर एवरी पर्सन L बाई रूट टू डिस्प्लेसमेंट है. आप किसी भी पर्सन का डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर इट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है L बाई रूट टू. अब यहां पर AC square equal to AB square plus BC square, हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पर्सन देख लिया, L बाई रूट टू है. अब डिस्प्लेसमेंट ईच पर्सन का L बाई रूट टू है. नाउ फॉर पर्सन ए, ए पर्सन से स्टार्ट करते हैं, ए पर्सन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ v वेलोसिटी. इसका डायरेक्शन v वेलोसिटी का कहां पर है, इधर की तरफ है. और अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखें, वो कहां पर है, वो इधर की तरफ है. इसका मीनिंग है ये एंगल क्या हो गया, ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री है. तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री एंगल है, ये L बाई रूट टू है जो कि डिस्प्लेसमेंट है हर एक ऑब्जेक्ट का, ये v वेलोसिटी है. अब यहां पर अगर हम बिना कुछ इनको अलाइन किए, एक ही डायरेक्शन में किए, हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज नहीं कर सकते. ध्यान रखिएगा यहां वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है. क्या कर सकते हैं हम यहां पर, अगर कंपोनेंट करें तो कंपोनेंट करने का मतलब v का कंपोनेंट हम इधर एक कर लेते हैं, और v का कंपोनेंट क्या होगा, v cos 45 डिग्री. cos 45 क्या होता है, 1 बाई रूट टू. सो वेलोसिटी विल बी व्हाट, v बाई अंडर रूट टू. सो v बाई रूट टू ये वेलोसिटी आ गया हमको, और ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है. सो वेलोसिटी हमने देख लिया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v / √2 हो जाता है. इसका मीनिंग है अब यूज कर सकते हैं, velocity equals to displacement upon time, time will be displacement upon velocity, so that comes as L by v. आंसर मिल जाता है L by v time के बाद में, ये चारों person, all four will meet at the center of this square. अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग एक जनरल रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जनरल रिजल्ट, या उसको हम शॉर्टकट ट्रिक भी बोल देते हैं, जिसको हम हर जगह पे सेट कर सके. तो सपोज हम लोग यहाँ पे ट्रिक में, इफ देयर इज एन पर्सन ठीक है, विचार लिए, तीन हो सकते, पांच हो सकते, छह हो सकते, दस हो सकते, एन पर्सन, एंड पॉलीगन ऑफ एन साइड, पॉलीगन है, अभी हमने स्क्वायर लिया, ये ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है. तो यहां पर एन साइड, देन टाइम रिक्वायर्ड टू मीट ईच अदर, सबको एक दूसरे से मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये रिजल्ट हमको ध्यान, ये टाइम कितना लगेगा, L बाई वी वन माइनस कॉस टू पाई बाई एन. एन वही इंटीजर है, कोई ना कोई वैल्यू होगी, कितने पर्सन हैं और कितने साइड्स हैं. चलिए इसको चेक करते हैं, एग्जांपल लेते हैं. इफ देर आर सिक्स पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सेम पैटर्न है, कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और वो छह पर्सन सेंटर ऑफ द हेक्सागन मिलते हैं, मतलब छह लोग हैं और पॉलीगन के बजाय यहां पर हेक्सागन है, टाइम पूछ रहा है. ठीक है, सिंपल हम लोग अप्लाई करते हैं, t equals to l by v 1 minus cos 2 pi by, और n को क्या कर दिया हमने, 6. अगर n 6 है, that means 2 pi, pi की वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या आ जाता है, l by v 1 minus cos 60 डिग्री. cos 60 होता है हमारा 1 by 2, 1 minus 1 by 2 आ जाता है 2l by v. देखिए कितना सिंपल तरीका हो गया भाई, यहां तो हेक्सागन के लिए सीधे सीधे रिजल्ट हमने यूज कर लिया और तुरंत आ गया. इसके बाद चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम यहां पे कहें देयर आर थ्री पर्सन, तीन लोग स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर हैं. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, कितने टाइम बाद वो तीनों मिलेंगे, फिर से सेम यहां पर एन
अगर हमको टाइम कैलकुलेट करना है तो यहां पर एल बाई वी वन माइनस कॉस टू पाई बाई एन को क्या कर देंगे, थ्री, एन को थ्री रखा, कॉस टू पाई बाई थ्री 120 डिग्री, कॉस 120 कितना होता है माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, तो यहां पर वन माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू है, तो आप कह सकते हैं दैट विल बी वन प्लस वन बाई टू, और बड़े आराम से हमको आंसर मिल गया 2L by 3V time बाद, all three persons, वो तीनों लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये एक general result बनाने से हम लोग को एक फायदा मिला कि हम calculation से बच गए, और कहीं भी ये किसी भी जगह apply कर सकते हैं, directly हमको वहाँ पे result मिल जाएगा। So it was day one, हम 1D motion में, जहाँ हम लोगों ने अभी placement, distance, rest, motion और velocity के बारे में, अभी velocity में और भी points हैं, अभी मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पे हमको फोकस करना है, अभी वेलोसिटी का बेसिक फंडामेंटल रिलेशन हम लोगों ने स्टडी किया, वेलोसिटी का मतलब समझने की कोशिश की। सो दिस इज एंड ऑफ डे वन, 1D मोशन।